नीचे जो पोयम के क्वेश्चन आंसर है ना वो आपको होमवर्क में लिखने हैं, और उसमें अभी आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे आप तो उसमें एक्टिविटी टू में ए नंबर में दिया है वर्क इन पेयर्स, राइट द नेम्स ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड से व्हाई यू लाइक हिम या हर। तो आपको एक एक्टिविटी करनी है यहाँ पर, इसमें आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपको जो भी आपको पसंद है उसके बारे में लिखना है। फाइंड आउट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस विथ योर पार्टनर्स फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, लुक्स, हेयर स्टाइल, मदर टंग, लाइक, डिसलाइक, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये सभी जो चीजें है ना उसके बारे में आपके फ्रेंड के बारे में आपको लिखना है, आपके और आपके फ्रेंड में। पहले नंबर में यहाँ पर दिया है सिमिलरिटीज विथ योर क्लासमेट्स एंड डिफरेंसेस विथ द क्लासमेट्स आर। तो आप में और उसमें क्या सिमिलरिटी है, किसमें किसमें, हाइट में, वेट में, लुक्स में, ये सब चीजें वहां पर बुक्स में आपको दी है। उसमें आप में और आपके फ्रेंड में क्या एक जैसा है वो लिखना है, और दूसरा नंबर जो पार्ट है वहां पर आपके और आपके फ्रेंड के बीच में हाइट, वेट, लुक्स, ये जो दिया है ना उसमें क्या डिफरेंसेस है वो आपको ये होमवर्क में करना है। अभी आगे एक्टिविटी नंबर, अभी बी नंबर में भी वर्क इन अ ग्रुप एंड टॉक अबाउट योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट व्हाट यू डू विद देम। आप और आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में बातें करनी है और आपके एक्सपीरियंस लिखने हैं। डू दे टेल स्टोरीज, विच स्टोरीज डू दे टेल यू, आपको वो स्टोरी बोलते हैं, आपको उसकी उनकी कौन सी स्टोरी पसंद आती है वो, और वो स्टोरी आपको क्यों पसंद है वो भी आपको, ये आपकी एक्टिविटी है घर पे करनी है। अभी एक्टिविटी नंबर थ्री, तो एक्टिविटी नंबर थ्री में ग्रैंड क्लास फ्रेंड, तो यहाँ पर पिक्चर दिया है टेक्स्ट में, देखो छोटा बच्चा है और उसके ग्रैंडपा, उसके फ्रेंड है, ग्रैंडपा की जो फ्रेंड है ना उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसके हार्ड वर्ड्स मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं, वो आपको होमवर्क में लिखने हैं, लर्न भी करने हैं। अभी मैं ये एक्टिविटी थर्ड का पढ़ रही हूँ तो आप उसमें ध्यान देंगे। तो गिवन बिलो इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, तो एक ये ब्यूटीफुल स्टोरी है। इट इज अबाउट हाउ द ग्रैंडफादर ट्रीट हिज चेयर एज अ फ्रेंड एंड हाउ द ग्रैंडसन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ ग्रैंडफादर बेटर देन हिज पेरेंट्स। तो ये एक्टिविटी थर्ड में जो स्टोरी दी है उसमें ग्रैंडपा की एक चेयर है वो उसकी फ्रेंड बताई गई है, और ग्रैंडसन उसको कैसे उनकी फीलिंग्स को कैसे समझ सकता है, उनके पेरेंट्स के मुताबिक वो बच्चा है छोटा ग्रैंडसन, वो कैसे वो अपने दादाजी की फीलिंग्स को वहां पर समझ रहा है वो बताया गया है। तो एंजॉय द स्टोरी, तो अभी मैं ये स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। ग्रैंडपास फ्रेंड पार्ट नंबर वन। मॉम आई एम होम, जॉन स्लैम्ड द डोर एंड ड्रॉप्ड हिज बुक्स ऑन अ नियर बाय चेयर। जब वो स्कूल से आता है ना जॉन नाम का जो लड़का है वो, तो बोलता है मम्मी मैं घर पे आ गया हूँ। जॉन स्लैम्ड, स्लैम्ड का मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है टू क्लोज विथ अ लाउड नॉइज, जोर से हम दरवाजा को धक्का देकर आवाज आती है ना जोरदार, तो उसको बोलते हैं स्लैम्ड। तो वो जोर से जॉन दरवाजे को ऐसे पुश करता है एंड ड्रॉप्ड हिज बुक ऑन अ नियर बाय चेयर, और अपनी जो बुक्स होती है वो नजदीकी कोई चेयर पड़ी है वहां पर वो रख देता है। समथिंग स्मेल गुड, और बोल रहा है कि कुछ अच्छी स्मेल आ रही है। विथ हिज नोज इन द एयर ही फॉलोड द स्वीट अरोमा इन टू द किचन, और जहाँ पर स्मेल आ रही थी हवा से तो वहां पर वो किचन में, किचन की तरफ से स्मेल आ रही थी तो वहां पर वो जाता है अच्छी वाली खुशबू को सुनते सुनते वो वहां पर किचन में जाता है। हाई जॉन होम ऑलरेडी, तो उसकी मम्मी बोलती है आप आ गए जॉन। हिज मॉम टर्न्ड अराउंड, पीछे मुड़कर उसकी मम्मी उसको देखकर बोलती है सी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ अ फ्रेश बेक्ड कुकीज ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो, और उसकी मम्मी ने कुकीज बनाकर रखी थी वो जो विंडो थी ना वहां पर प्लेट उसने रखी हुई है वो, ऐसा उसकी मम्मी बोल रही है उसको। जॉन रीच्ड द
जो आना वो कुकीज वहां पर पड़ी थी ना विंडोज के नजदीक वाले टेबल पर, वहां पर वो जाता है और बाहर की तरफ देख रहा है। इट वॉज अ काइंड ऑफ डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड। पॉप ऑफ जॉन्स ग्रैंडपा हु लिव्ड विथ देम सिंस ग्रैंडमा हैड डेड कम थ्रॉट द डोर। तो अब देख रहा है कि जो पॉप पॉप यानी उसकी दादाजी जॉन के दादाजी, उनके साथ उनकी ग्रैंड मा जब से गुजर गई थी तब से वो उनके साथ रह रहे हैं, वो दरवाजे की तरफ आ रहे हैं। उसने ऐसा वहां पर देखा। स्प्रिंग इज हियर पॉप पॉप से एंड यू नो व्हाट दिस मीन्स। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि स्प्रिंग इज हियर, स्प्रिंग्स मानी जो वसंत ऋतु होती ना वो अभी आ गई है। तो एंड यू नो व्हाट दिस मीन्स, आप जानते हो इसका मीनिंग। श्योर जॉन एग्री, जॉन बोल रहा है श्योर मैं जानता हूँ, उनके साथ सहमत होता है। एग्री मानी टू से यस। एंड यू नो अवर एंड यू नो व्हाट दिस मीन, श्योर जॉन एग्री अवर एनुअल फिशिंग ट्रिप इज कमिंग अब। हाँ हमारी एनुअल यानी ईयरली फिशिंग ट्रिप इज कमिंग अप, अभी वो आने वाली है। अम्यूज्ड पॉप ऑफ विघ्न फिंगर्ड एट जॉन वाइल्ड हेडिंग स्ट्रेट फॉर द कुकीज। और वो भी दादाजी भी खुश थे, वो भी उनके साथ कुकीज खाने वहां पर जा रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ अवर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग जॉन्स मॉम सजेस्टेड। उसकी मम्मी सोच रही है कि जो स्प्रिंग आ रहा है तो वो सजेस्ट कर रही, तो सजेस्ट का मीनिंग भी मैंने यहाँ पर लिखा है टू गिव अ हिंट, ऐसा बता रही है जॉन की मम्मी जॉन को। जॉन्स मॉम सजेस्टेड टुमारो जॉन यू हैव नो स्कूल, तो आपको कल स्कूल में छुट्टी है। नो स्कूल मानी छुट्टी है। एंड आई कैन एक्सेप्ट सम हेल्प, ओके तो मैं आपसे कुछ हेल्प ले सकती हूँ, उसकी मम्मी जॉन्स को ऐसा पूछ रही है। ओके ओके जॉन एग्रीड और विलिंगली, हम रेडी नहीं होते कोई भी काम के लिए, हमें मम्मी बोलती है और हम बोलते हैं कि हाँ हाँ करूंगा ऐसे। वो भी वो जॉन वहां पर उसकी मम्मी को बोल रहा है। द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन्ड द हाउस, तो दूसरे दिन उसकी मम्मी और जॉन दोनों सफाई रूम की सफाई करने लग जाते हैं। दे क्लीन्ड द अपस्टेयर इनसाइड आउटसाइड अंटिल एवरीथिंग वॉज स्पॉटलेस, जो भी कुछ गंदा था घर में वो सब उन्होंने अंदर का बाहर का सीढ़ियां वो सब उन्होंने साफ कर दिया, एकदम क्लीन कर दिया, वेरी क्लीन। स्पॉटलेस का मीनिंग क्या है, वेरी क्लीन। टायर्ड दे सैंक इनटू द कोच, पॉइंटिंग टू पॉप ऑफ चेयर जॉन्स मॉम एक्सक्लेम्ड ओ दैट ओल्ड चेयर हैज गॉट टू गो, वी विल बाय पॉप ऑफ अ न्यू वन। तो उसकी मम्मी जब टायर थक के बैठती है कोच यानी सोफा, तो सोफे में वो बैठती है तो देखती है कि वो चेयर पुरानी वाली चेयर ग्रैंडपा की पड़ी हुई है, तो ओ दैट ओल्ड चेयर हैज गॉट टू गो, तो अभी इसको हमें निकाल देना चाहिए और ग्रैंडपा को नई चेयर लाके देनी चाहिए, ऐसा वो बताती है। आगे के पैराग्राफ में इट वॉज ट्रू जॉन हैड टू एग्री, तो हाँ ये सच बात है क्योंकि वो जो चेयर थी ना वो पुरानी हो चुकी थी, तो वो जॉन भी एग्री हो जाता है, उससे सहमत हो जाता है कि हाँ मम्मी ये तो पुरानी चेयर हो गई है। द चेयर वॉज अनसाइटली यानी अभी बिगड़ गई है वो चेयर। इट वॉज फेडेड एंड वॉन एंड इन सम प्लेसेस इवन टर्न, इसकी इट वॉज अ फेडेड, फेडेड मानी डल, मैंने यहाँ पर हार्ड वर्ड लिखा है फेडेड यानी डल, बिगड़ गई है एंड वॉन और डैमेज भी हो गई एंड इन सम प्लेसेस इवन टर्न, उसकी कोई कोई जगह वो टूट भी गई है चेयर। जॉन कम एंड हेल्प मी वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ, तो जॉन आप मेरे को हेल्प करो हम ये चेयर को फुटपाथ पर रख देते हैं। टूमोरो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम, तो कल जो आएगी कचरे वाला ट्रक तो उसको ले जाएगा। एज द अटेम्प्टेड टू मूव द चेयर पॉप ऑफ वॉकड हिज वे थ्रॉट द डोर, तो जैसा ये सुनते हैं ना उसकी मम्मी जॉन को बोलती है कि जब हम इसको बाहर फुटपाथ पर रख देते हैं, तो दादाजी ये सुनते हैं
और वो चेयर की तरफ आते हैं। पॉप पॉप पकड़ो ही इसपे फॉर द डोर, दरवाजे से वो दरवाजे पर जाते हैं। सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग, देखने जाते हैं, उनके रूम में थे ना तो उनको आवाज आती है कि चेयर को बाहर, उसकी मम्मी जॉन की मम्मी बोलती है कि बाहर रख देते हैं। तो दादाजी दरवाजे पर आते हैं, ही क्विकली ब्लॉक्ड देयर वे, तो वो उनका रास्ता बीच में से काट देते हैं। नहीं, ओ नो, ही ऑब्जेक्टेड, नहीं, यू कांट टेक माई चेयर, तुम ये मेरी चेयर नहीं ले सकते। दादाजी बोलते हैं कि आप मेरी चेयर को नहीं लेंगे। इट इट्स ओल्ड, इट्स वॉन, जॉन्स मॉम आर्ग्यू विथ अ शार्प एजर टू हर वॉइस। उसकी मम्मी जो जॉन की मम्मी है ना, दादाजी को बोलती है कि ये तो पुरानी है, टूट चुकी है। जॉन्स मॉम आर्ग्यू, उसकी मम्मी आर्ग्यू करती उनके सामने ऐसा बोलती है कि इसको हम बाहर रख देते हैं। उनकी क्लियर वॉइस में ऐसा शार्प एज्ड यानी जोर से, यानी गुस्सा थोड़ा होती है ना, काम करते वक्त मम्मी आपकी गुस्सा होती है तो जोर से चिल्ला देती है ना कि नहीं ये तो टूट चुकी है, अभी ये नहीं रखनी यहाँ पर, ऐसा वो दादाजी को बोलती है। नो, पॉप इंसिस्टेड ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू द प्लेस। तो अभी उसकी मम्मी बोलते बोलते चली जाती। नो, पॉप इंसिस्टेड, तो पॉप जो चेयर पड़ी थी ना उसको धक्का लगाकर वापस उसकी जगह पर ला देते हैं। बट पॉप, वी विल बाय योर न्यू वन, उसकी मम्मी ऐसा बोलकर चली जाती है। उसके पापा ग्रैंडपा आ जाते हैं ना, तो वो ऐसा बोल के चली जाती है कि तो टूट चुकी है, इसको हम हटा देंगे। फिर पॉपअप क्या करते हैं, यानी दादाजी वो चेयर को जहाँ पर पहले पड़ी थी ना चेयर, वहां पर खिसका के वो ला देते हैं। बट पॉपअप, वी विल बाय योर न्यू वन, जॉन्स मॉम टायर्ड टू कन्विंस द मैन। वो है ना, उसकी मम्मी बोलती है कि आपको हम नई चेयर ला देंगे। आप उसको कन्विंस करती है कि ये पुरानी हो गई है, बिगड़ चुकी है, टूट चुकी है, तो ये चेयर की जगह पर हम आपको नई चेयर ला के देंगे। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन, पॉप्स वॉइस ट्रेम्बल्ड। तो वो दादाजी बोलते हैं नहीं, मेरे को नई चेयर नहीं चाहिए। उसके दादाजी उसको ट्रेम्बल्ड माने पुश, उसको पकड़ के ऐसे वो खिसका के बोलते हैं कि नहीं, मेरे को नई चेयर नहीं चाहिए। आई गिव अप, जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर, वी विल डिस्कस इट टू नाइट वेन मैट गेट्स होम। तो जो मैं जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर, तो उसकी मम्मी चेयर को छोड़कर वहां से चली जाती है और बोलती है कि हम इस टॉपिक को डिस्कस रात में करेंगे। मैट यानी यहाँ पर जॉन के पापा की बात की गई है, मैट जॉन के पापा का नाम है। तो जब रात को उसके जॉन के पापा घर पे आएंगे तो इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। मैट जॉन्स डेड वॉज स्टिल एट वर्क, अभी वो काम पर है। विथ अ साइन ऑफ अ रिलीफ द ओल्ड मैन सैंक इनटू हिज चेयर एंड क्लोज्ड हिज आईज। फिर यहाँ पर साइन ऑफ अ रिलीफ, अ लॉन्ग डीप ब्रीथ मैन, टेंशन इज ओवर। तो अभी जो टेंशन उसकी मम्मी चेयर को ले जा रही थी तो दादाजी को पसंद नहीं था, तो अभी मम्मी गई तो वो दादाजी उस चेयर पर बैठते हैं और आराम करते हैं और अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। पॉप पॉप, व्हाई यू वांट लेट अस गेट राइट ऑफ द चेयर, जॉन आस्क्ड व्हेन हिज मदर लेफ्ट द रूम, इट्स सो ओल्ड। तो जब उसकी मम्मी चली जाती है ना तो जॉन अपने दादाजी को पूछता है कि क्यों आप ये टूटी हुई चेयर को रखना चाहते हो। जॉन आस्क्ड व्हेन हिज मदर लेफ्ट द रूम, तो उसकी मम्मी चली गई तब वो ये क्वेश्चन दादाजी को पूछ रहा है, ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है चेयर, दादाजी को वो क्वेश्चन कर रहा है। तो आज मैंने एक्टिविटी वन और टू, एक्टिविटी नंबर थ्री यहाँ पर पढ़ा दी है और उसके हार्ड वर्ड से यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो एक बार मैं आपको वो समझा रही हूँ। तो यहाँ पर बुक में मैंने पढ़ाते वक्त समझाया है, तो फिर से टू स्लैम टू क्लोज विथ अ लाउड नॉइज, जोरदार आवाज के साथ हम कोई भी चीज को बंद करते ना तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैम। अरोमा यानी स्वीट स्मेल यानी अच्छी वाली खुशबू। टू
अग्री टू से यस, यानी हम कोई भी बात आपको कोई बोली जाती है तो हम उसमें हाँ बोलते हैं, अग्री होते हैं, तो वो क्या है अग्री। एन्युअल यानी वार्षिक, यानी हर साल पूरा होता है उसको क्या बोलते हैं एन्युअल, कि एन्युअल एग्जाम आती है ना हर साल, तो ईयरली। अम्यूज रहो, प्लीज रहो, हैप्पी खुश होते हैं उसको क्या बोलते हैं अम्यूज रहो, खुशी। टू हेड फॉर, टू गो टू यानी जाना। टू सजेस्ट, टू गिव अ हिंट यानी कोई भी चीज सजेस्ट करते हैं यानी हम हिंट देते हैं वो। अनविलिंगली, नॉट रेडी, रेडी यानी हम तैयार नहीं होते पर हमको हाँ बोलना, हमको ऐसे ही हाँ बोलना, रेडी नहीं होते कि कुछ भी काम हमको मम्मी बताती है कि हाँ हाँ मैं करूंगा तो हम ऐसे ही बोल देते, तो उसको क्या बोलते हैं अनविलिंगली, सहमत होते हैं उनमें। स्पॉटलेस, वेरी क्लीन यानी एकदम क्लीन कर देना। टू सीट इन टू, तो सीट ऑन उसके पर बैठना। वॉच मानी यहाँ पर टेक्स्ट में है सोफा। टू एक्सप्लेन, तो टू सी विद अ सरप्राइज, हम कोई सरप्राइज के साथ कुछ बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं एक्सप्लेन। फेडेड यानी डल, बिगड़ चुकी है वो। टू साफ एज यानी एकदम क्लियर आवाज में बोलना, ऐसा यहाँ पर बुक में इस टॉपिक में है। इंस्ट्रिक्ट यानी से फोर्सफुली, जोर से हम बोलते हैं ना तो वो इंस्ट्रिक्टेड, इंसिस्टेड और सेड अप फोर्सफुली। टू ट्रेम्बल यानी टू शेक यानी हम ऐसे धुस्ता, धुस्ता हुआ हमारा कोई हाथ होता है तो दम कुछ भी कांपता है ना हमारा हाथ, उसको क्या बोलते हैं ट्रेम्बल। कन्विंस, सेटिस्फाई बाय आर्ग्यूमेंट यानी हम अपनी कोई भी आर्ग्यूमेंट से किसी को सेटिस्फाई करते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। आप भी अपनी मम्मी को कुछ चीज लानी होती है तो आप उसको कन्विंस कर लेते ना, आर्ग्यूमेंट देकर, नहीं इसके बिना तो नहीं चलेगा, मेरे को चाहिए, तो वो क्या है कन्विंस करना। साई ऑफ रिलीफ, लॉन्ग डीप ब्रीथ व्हेन टेंशन इज ओवर, जब कोई भी टेंशन होता है चला जाता है तो हमें एकदम आराम भर ऐसे हमको रिलीफ लगता है ना हमको, तो हम उंडली सांस लेते हैं और आराम से बैठते हैं, तो साई ऑफ अ रिलीफ। तो ये सब हार्डवर्ड से आपको नोट में लिखने हैं और हमने एक्टिविटी थर्ड यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, उसकी एक्सरसाइज में आपको पीडीएफ करूंगी तो आपको वो लिखनी है और नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।